नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी रिलेटेड टू हेरिडिटी। नाउ वी विल सी द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। That are also named as law of inheritance. So Mendel's contribution. Now, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हेरिडिटी में? So ग्रेगर जॉन मेंडल वाज एजुकेटेड इन ए मॉन्टेसरी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मॉन्टेसरी में पढ़ाई की एंड ही वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो मॉन्टेसरी जहाँ पर मॉन्क्स लोग रहते हैं, भिक्षु लोग, बौद्ध भिक्षु, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की एंड उनको मैथ्स और साइंस दोनों में इंटरेस्ट था। तो उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में स्टडी की। आफ्टर दैट ही वॉज फेल्ड इन ए सब्जेक्ट बट इट कुड नॉट हैव सप्रेस्ड हिज जील। इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ और ही केम बैक टू मॉन्टेसरी एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन हेरिडिटी बाई द नॉलेज ऑफ हिज मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट बिकॉज पी प्लांट टेक्स 2.5 मंथ्स टू मेक ए कंप्लीट पी प्लांट। इसको कम समय में एक नया जनरेशन मिल जाती है। तो अगर हम पी प्लांट को ब्रीड करें और नया पी प्लांट बनाएं तो 2.5 महीने में नया जनरेशन आ जाता है। तो उसमें कम समय लगता है एंड इट हैज़ वेरियस फीचर्स। उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं जैसे कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड एंड टॉलनेस, डॉर्फनेस, इस तरीके से। तो इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया और उसकी कंट्रोल्ड मैनर पर ब्रीडिंग की। सो उसके बेसिस पर उन्होंने डेटा कलेक्ट किए कि कैसा पी प्लांट आया है, उसका सीड कैसा है, और उसी के बेसिस पर उन्होंने अपने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। सो उसको लॉज कहा जाता है। इट वाज सो अपग्रेडेड एंड रिफाइंड कि उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए इनके जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं उनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की संज्ञा दी गई है। सो लेट अस सी व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। सो नाउ ही हैज गिवन 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है वो हम देखें। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम इन सब लॉस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे
as given by, as stated by Mendel. Now, first is monohybrid, cross and law of segregation. तो पहला लॉ है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है, मोनो हाइब्रिड जिसमें एक फीचर का ही हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक फीचर को चेंज करेंगे और उनका फिर हम क्रॉस ब्रिड करेंगे, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उससे जो भी चीज होगी वो इनहेरिटेड होगी, इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो मेंडल ने क्या किया, क्रॉस ब्रेड टू होमोजाइगस टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स। तो उसमें क्या कराया, टेकन होमोजाइगस प्योर ब्रेड हैं, सो क्रॉस ब्रेड होमोजाइगस टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट, होमोजाइगस का मतलब है कि वो प्योर ब्रेड है, हैविंग जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हैविंग, क्योंकि ड्वार्फनेस रिसेसिव फीचर है तो स्मॉल टी हैविंग जीनोटाइप कैपिटल टी इट इज फॉर होमोजाइगस टॉल पी प्लांट एंड स्मॉल टी क्योंकि रिसेसिव जीन तो अपने को तभी एक्सप्रेस करेगा कि जब दोनों ही रिसेसिव हो, दोनों नाटे हो तभी बच्चा नाटा पैदा होगा, एंड स्मॉल टी रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग दिस पेरेंटल क्रॉस ही हैज गॉट F1 जनरेशन, ही रिकॉर्डेड ऑल द डिटेल्स ऑफ F1 जनरेशन। सो ड्यूरिंग दिस पेरेंटल क्रॉस ही रिकॉर्डेड फीचर्स ऑफ F1 जनरेशन, तो अब पेरेंटल क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन मिली, ही रिकॉर्डेड फीचर्स ऑफ प्रोजीनी ऑफ F1 जनरेशन। Then he crossbred F1 generation pea plant. He crossbred F1 generation pea plant. तो उसको जब उन्होंने crossbred कराया, and recorded फीचर्स ऑफ, और उसके फीचर्स देखे, एंड रिकॉर्डेड फीचर्स ऑफ प्रोजीनी ऑफ F2 जनरेशन पी प्लांट, प्रोजीनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, फीचर्स ऑफ प्रोजीनी, यहां पर इसका मतलब है फीचर्स ऑफ प्लांटलेट्स जो नई जनरेशन है, सो फीचर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग लिखना भी ठीक ही है, ऑफस्प्रिंग दोनों में यूज किया जा सकता है, प्लांट्स में भी, फीचर्स ऑफ प्रोजीनी ऑफ F2 जनरेशन पी प्लांट, F2 जनरेशन पी प्लांट। और इन्होंने ऐसा करते समय एक दो प्लांट नहीं लिए, उन्होंने इसके लिए
अबाउट 1,000 पी प्लांट लिए, तो लार्ज स्केल में किया जिससे पता चल सके वास्तव में रेशो क्या है। ही हैज टेकन कि जो भी प्लांट्स लिए गए उनमें दोनों के पहले 5,500 लिए गए, फिर उसके बाद जो भी लिए गए 1,000 लिए गए। सो लार्ज स्केल ही हैज डन दिस इन ए कंट्रोल्ड मैनर इन लार्ज स्केल। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट देखें, फिर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे कि वास्तव में फर्स्ट लॉ जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस को हमने सबसे पहले लिया, तो जो पेरेंटल जीनोटाइप है तो पेरेंटल क्रॉस लिखो, ये एक्सपेरिमेंट है। पेरेंट्स जीनोटाइप, तो पहले जो आप जिनको ले रहे हो जो प्लांट्स वो कैसे हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का अपीयरेंस देखो, फीनोटाइप, पेरेंट्स फीनोटाइप, तो उसका फीनोटाइप है कि 500 टॉल लिए, 500 डॉफ ले लिए, डॉफ पी प्लांट। तो अब जब पेरेंट्स पेरेंटल इसलिए लिए तो इस तरीके के प्लांट्स लिए गए कि एक उसमें टॉल है और एक डॉफ है। अब देखें आफ्टर दैट जो पेरेंट्स का फीनोटाइप, तो ये हमने देख लिया, फिर उसका जीनोटाइप क्या है, जीनो टाइप। तो उसके जीनोटाइप में ये कैपिटल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा, इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया। तो सबसे पहले इनके गेमिट्स होंगे, तो प्लांट्स में भी पॉलेंस होंगे और फिर ओवम होगा, जो भी उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में उसके अंदर पॉलेंस एंड ओवम होगा। तो अब जीनो टाइप ऑफ गेमिट क्या होगा, जीनो टाइप ऑफ गेमिट, तो अब इसमें क्या होगा, फिर से सेल डिवीजन होगा और हाफ हाफ अमाउंट हो जाएगा। ये तो 2n अमाउंट है, बट गेमिट्स में तो आधा अमाउंट होता है क्योंकि उनको स्पर्म या फिर पॉलन को फिर से ओवम में फ्यूज होना होता है फुल अमाउंट बनाने के लिए। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पी प्लांट में, तो इसका ये जो डिवीजन होगा, तो इनमें अब सिंगल सिंगल जीन होंगे गेमिट में, पेयर्ड नहीं होते हैं। जो भी गेमिट्स होते हैं या जर्म सेल होते हैं या सेक्स सेल होते हैं उनमें सिंगल सिंगल होते हैं, तो ये स्मॉल टी। अब जब ये जी इनको गेमिट्स मिल गए, गेमिट्स यानी जर्म सेल, गेमिट्स यानी सेक्स सेल, ये है गेमिट। अब इनका क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉस ओवर कैसे होगा, इसको इसके साथ कराया, आपस में नहीं कराया सेल्फ पॉलिनेशन। 500 इसके पौधे लिए, 500 इसके पौधे लिए, और इसका स्टेमन चाहे खुद ही मैन्युअली उसमें से उठा के उसके ऊपर रख दिया, तो उन्होंने खुद डेलिबरेटली किया। और इस वाले के सारे पॉलेंस काट दिए, इस वाले के सारे ओवम सील कर दिए, ऊपर से हटा दिए, तो अब इसमें पॉलन पॉलन बचे, इसमें सब में स्टिग्मा स्टिग्मा बचा और इसमें स्टेमन बचे, फिर उसमें से पॉलन क्रॉस कराया। तो जो भी उन्होंने किया नेचर के ऊपर नहीं छोड़ा, खुद करके किया। तो जो भी है, अब इसका क्रॉसिंग ओवर जब कराया गया तो इसका पॉलन इसके साथ, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी का इसके साथ, तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है, कैपिटल टी इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इसके साथ भी, सबका सबके साथ कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका इसके साथ, इसका पहले दोनों के साथ कराओ फिर इसका दोनों के साथ, आप देख लो। तो ये चीज यहाँ पर की गई कि पहले वाले का दोनों के साथ, इसका इसके साथ, फिर पहले वाले का इसके साथ भी कराया, फिर जब पहले वाले का दोनों के साथ हो गया तो सेकंड वाले का दोनों के साथ कराया, इसका इसके साथ, और फिर इसी का इसके साथ, ये चीज कराया। एंड ओ इसमें क्रॉस लगाना है,
तो ये जो चीज इनको मिला ये F1 जेनरेशन जीनोटाइप, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिल गई, नया प्लांट मिल गया। सो F1 जीनो टाइप मिल गया। और फिर F1 का फिनोटाइप क्या मिला? तो एक तो इसमें डोमिनेटिंग फीचर है, तो डोमिनेशन इसमें टॉलनेस का है, तो सभी प्लांट इनको टॉल मिले। 1000 डाले थे और कंट्रोल पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, और सारे टॉल मिले। बट ये हिट्रोजाइगस टॉल है क्योंकि इनमें दोनों फीचर हैं। टॉलनेस जरूर इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इसमें दूसरा अल्टरनेट डॉफनेस वाला भी जीन मौजूद है, उसके प्रेजेंस में टॉलनेस है। यहाँ दोनों ही टी थे, होमोजाइगस टॉल है, ये हिट्रोजाइगस है। तो F1 जीनोटाइप है, उसकी रिपोर्ट तैयार करो। तो पेरेंटल क्रॉस कराने से आपको F1 जनरेशन मिल गई। और इसकी रिपोर्ट क्या है कि ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, रिपोर्ट क्या है, ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल विद जीनोटाइप TT। ऐसे सबका जीनोटाइप TT है और सारे टॉल है, ये रिपोर्ट बनी। फिर उसके बाद F1 क्रॉस, जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराओ, पेरेंटल क्रॉस हो गया, अब F1 के लीजिए, F1 क्रॉस जनरेशन क्रॉस, F1 जनरेशन क्रॉस भी लिख सकते हो, वरना F1 क्रॉस भी लिख सकते हो, F1 क्रॉस भी चलता है। अब देखो, सो F1 जनरेशन है, उसका फीनोटाइप क्या है? फीनो टाइप सारे टॉल थे, तो अब टॉल टॉल ही पौधे लिए गए। सो एक टॉल लो और दूसरा भी टॉल लो, F1 के ही प्लांट लेने और सब एक जैसे ही हैं। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, वो हमने ऊपर देख लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके गेमीट्स कैसे होंगे? तो इनका जब स्प्लिट होगा सेकेंड टाइम सेल डिवीजन, तो यानी मियोसिस होगा, मियोसिस से ही गेमिट्स बनते हैं। तो जब मियोसिस होगा, दो बार सेल डिवीजन होता है, तो उसमें हाफ ऑफ 50% में कैपिटल टी ट्रेट होगा और 50% में स्मॉल टी। जो फादर हिट्रोजाइगस टॉल है, तो उसके आधे स्पर्म्स में कैपिटल टी होगा और आधे स्पर्म्स में स्मॉल टी होगा। हिट्रोजाइगस फादर से नाटा बच्चा भी पैदा हो सकता है। अगर माँ के जो गेमीट हैं, माँ भी टॉल है लेकिन वो हिट्रोजाइगस है, तो ऐसे केस में वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, मान लीजिए इसका ये वाला गेमीट इस गेमीट से मिल जाता है, तो बच्चा नाटा पैदा हो जाएगा। तो ये हिट्रोजाइगस है, इनमें डॉर्फनेस के भी अंश हैं, सो इस वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, फर्स्ट में सभी बच्चे लंबे पैदा होंगे, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है, अब इनका क्रॉसिंग ओवर करो, तो क्रॉसिंग ओवर में इसका इसके साथ, तो क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने कराया, इसके पॉलेंस रखे और इसका स्टिग्मा रखा, स्टिग्मा के अंदर ओवरी है। तो इसके बाद अब देखो, इसके साथ इसका भी करो, दोनों का कर लिया, पहले वाले के साथ दोनों का। तो इसमें कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसके साथ पहले वाले का, तो इसके साथ पहले वाले का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, लिखा भी डोमिनेंट कोई पहले जाता है, और इसके साथ इसका, सो स्मॉल टी, ये चीज़ हो गई। तो अब इससे जो मिला वो F2 जनरेशन है। सो F2 जनरेशन जीनोटाइप हो गया, ये F2 जनरेशन जीनोटाइप। और F2 जनरेशन का फीनोटाइप क्या है? F2
जेनरेशन फिनोटाइप। एफ टू जनरेशन में फिर से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी जो प्योर ब्रेड था वो फिर से हमको मिल गया। ऐसा नहीं होगा कि प्योर ब्रेड हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाए, प्योर ब्रेड हमें फिर से मिल गया। तो इट इज स्टॉल। और इसी तरीके से डॉफनेस का भी प्योर ब्रेड खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने जो लिए थे वो प्योर ब्रेड डॉफ थे और प्योर ब्रेड टॉल थे। इसका मतलब कि फिर एक बार जनरेशन हुई, हम तो मिलियंस ऑफ जनरेशन क्रॉस कर गए हैं, तो क्या हम लोगों में कोई शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा कोई भी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ये चीज सेकेंड जनरेशन में फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अल्टरनेट जनरेशन, जिसका क्रॉस कराया जाता है उसके अगले जनरेशन में नहीं रिफ्लेक्ट होती। सारे हिट्रोजाइगस होते हैं, लेकिन फिर से दो होमोजाइगस फिर से बन जाते हैं, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉफ। तो ये भी टॉल है और ये डॉफ। डॉफ तो तभी होगा जब पूरी तरीके से उसके सारे दोनों जीन डॉफ ही होंगे। टॉल में ये सस्पेक्ट है कि दूसरा डॉफ भी हो सकता है, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है टॉल। तो इसमें थ्री प्लांट्स तो टॉल पाए गए, क्योंकि डॉफनेस की प्रेजेंस में भी टॉलनेस ही रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए तो उसे डोमिनेंट कहते हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट तैयार करो। तो इसकी रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है कि द रेशियो ऑफ टॉल वर्सेस डॉफ प्लांट, द रेशियो ऑफ टॉल इज टू डॉफ प्लांट्स इन एफ टू जनरेशन। By the result of F1 cross, by the result of F1 cross is, वो क्या आया? 3:1, तीन थ्री टाइम्स टॉल हुए और वन टाइम्स ड्रॉप हुआ। एंड द रेशियो ऑफ देयर जीनोटाइप, एंड तो टॉलनेस और डॉफनेस में 3:1 का रेशो रहेगा। अगर 1000 प्लांट पैदा किए गए तो 750 टॉल होंगे और 250 ही डॉफ होंगे। तो एंड द रेशो ऑफ जीनोटाइप TT:TT:TT इज 1:2:1, क्योंकि ये दोनों जो भी हैं तो चार में से दो ऐसे हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इज 1:2:1। तो ये रिपोर्ट तैयार हो गई F2 की। अब हमने जैसे यहाँ देख लिया कि टॉलनेस और डॉफनेस का, ऐसे हम येलो सीड और ग्रीन सीड का भी कर सकते हैं, इसी तरीके से राउंड और रिंकल्ड का भी कर सकते हैं। तो फीचर चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और जहां तक क्रॉसिंग ओवर की बात है, तो ये जो आपको मिले हैं गेमिट्स, इस गेमिट को आप पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। एक ऐसा स्क्वायर बना लें और जो भी क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो इसके दोनों गेमिट्स यहां लिख लें, टी और टी, इसी के दोनों यहां लिखे गए हैं यहां पे, और इसके दोनों इस साइड लिख लो। इसका इसके साथ क्रॉस कराओ तो टी टी, इसका इसके साथ तो टी टी, इसका इसके साथ तो टी टी, इसका इसके साथ तो टी टी। अब यहाँ लिखो टॉल, यहाँ लिखिए टॉल, यहाँ लिखिए टॉल, और यहाँ लिख दीजिए डॉफ। तो इस तरीके से ये जो हम करते हैं, दिस इज पुनेट स्क्वायर। मान लीजिए एरो बनाने में आपको दिक्कत है तो इसमें कोई ब्लॉक खाली नहीं जाएगा। सो पुनेट स्क्वायर। तो ऐसे अगर येलो सीड है, राउंड सीड है, तो उसका भी आप पुनेट स्क्वायर बनाकर दिखा सकते हैं कि कैसे होगा। तो किसी किसी में पीली मटर का दाना है, ग्रीन है, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं और वैसे ही होगा। तो अब जबकि हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इससे क्या चीज़ इंडिकेट हो रही है, व्हाट
इज द थिंग, इससे लॉ क्या उन्होंने बनाया, ऐसा तो किया, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 1000 पी प्लांट पर. सो द लॉ इज गिवन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर्स, द करेक्टर्स, द करेक्टरिस्टिक्स, द करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स भी कह सकते हैं, उन्होंने इसको ट्रेट्स कहा, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय दीज आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर, जिसको कि हम जीन कहते हैं, विच अकर इन पेयर, ये चीज है कि जो फैक्टर है वो पेयर में अकर करता है, जैसे हमने यहां देखा तो पेयर में है, हो सकता है वो सेम भी हो सकता है या अल्टरनेट भी हो सकता है. अब आज के समय में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो 50 लाख गुना किसी चीज को मैग्नीफाई कर देता है, तो हम डीएनए देख सकते हैं, क्रोमोसोम देख सकते हैं, लेकिन जिस समय ग्रेगर जॉन मेंडल हुए 1820, यानी आप समझिए इन्होंने जो 1840 में एक्सपेरिमेंट किया, उस समय इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कुछ पता नहीं था उनको. अगर आपको मैं ये दे दूं कि टॉल 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 डॉफ और पहले में टॉल 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 सारे, तो मैं कहूँ लॉ बनाओ, तो हम क्या बना पाएंगे लॉ, सिर्फ इतना ही बताया जाए कि टॉल और डॉफ को मिलाया तो टॉल बने और फिर उनको फिर से क्रॉस कराया तो टॉल और डॉफ बने. तो क्या इस चीज के बेसिस पे आप ये दिमाग लगा पाओगे कि जो ये चीजें हो रही हैं वो कोई इंटरनल फैक्टर्स है या जीन है, जब जिस समय की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं हो, लेकिन इन्होंने माइंड लगाया और पता लगाया कि कहीं ना कहीं जो इसके फैक्टर्स डिटरमाइन हो रहे हैं या इंटरनली कुछ ना कुछ चीज है जो जोड़े में है. सो इट्स द करेक्टरिस्टिक इज डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर्स, उन्होंने ये बता दिया वी चेकर्स इन पेयर, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय के साइंटिस्ट के समझने के लिए ही, बहुत बड़ी बात थी कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं फैक्टर्स, और उन्होंने उस चीज़ को अनाउंस कर दिया. आज ये चीज़ बहुत आसान है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के पता कर सकते हैं, इसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं, हम सब पता लगा लेते हैं. लेकिन उस समय 1840 में ये जीनियोसिटी थी मेंडल की जो उन्होंने बताया. एंड ओनली वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गेमीट, और ये भी बता दिया कि गेमीट में एक ही कोई चीज प्रेजेंट होगी. तो हमारे अंदर जो भी फैक्टर्स हैं वो पेयर में हैं, और लेकिन उनके जो गेमीट्स बनेंगे तो उसमें या तो ये फैक्टर होगा या ये फैक्टर होगा, टॉल में डॉफ का भी फैक्टर हो सकता है. तो इसको ऐसे का ऐसे ही याद कर लेना है. ओनली वन ऑफ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट, वन ऑफ ए पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गेमीट, जिसे जर्म सेल कहते हैं, सिंगल गेमीट, जिस गेमीट में दोनों पेयर नहीं होंगे, क्योंकि उसको फिर से फ्यूज होना है और फिर से पूरा का पूरा जाइगोट बनाना है, तो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई को फ्यूज होना है, तो आधा अमाउंट ऑफ फैक्टर उसमें रहेगा. सो ओनली वन ऑफ सच फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन गेमीट. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमने ये देखा इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया है. तो इसके बारे में
आप ये समझ लें कि व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म, तो ये तो यहाँ पर ये लॉ हो गया. नाउ वी विल सी व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड देन हाफ, जो भी इसमें गैमीट फॉर्म हो रहे हैं तो ये दोनों एलील्स हैं. एलील्स का मतलब है कि ऑल द जो भी जीन है या फैक्टर हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं, तो उसके जितने भी फॉर्म्स हैं टॉलनेस ड्वार्फनेस या और भी कुछ हो सकता है तो मीडियमनेस, वो सारे एलील्स कहे जाएंगे. तो हाफ ऑफ द एलील्स आर रेंडमली इसमें जो भी होंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे इन वन फॉर्म एंड हाफ ऑफ इन अदर फॉर्म. तो किसी भी मेल बॉडी में जितने स्पर्म्स होंगे या जितने पॉलेंस होंगे तो आधे उसमें टॉल को कैरी करेंगे, टॉलनेस को 50% और आधे उसमें डॉफनेस को कैरी करेंगे. इसी तरीके से इसमें भी है. तो जो भी चाहे हमने फर्स्ट में किया हो कि पेरेंटल क्रॉस, तो उसमें भी यही बात हुई कि खैर यहाँ पर तो 50-50% है चूंकि वो होमोजाइगस था तो सारे वही वही रहे. लेकिन जहाँ पर अल्टरनेट जीन होगा तो और उस तरीके के दो एलील्स होंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, दीज आर एलील्स. तो एलील हैं तो ये इन एलील्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है व्हेन एवर गेमीट्स आर फॉर्म देन द गेमीट्स कैरी ओनली वन ऑफ द फैक्टर एंड इट इज रेंडमली फ्लोइंग ओवर टू द गेम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गेमीट. ये नहीं कहा जा सकता कि इस पॉलन में कैपिटल टी ही होगा या इसमें स्मॉल टी होगा. इसको कहते हैं कि वो जो भी चीज है पेयर में वो सेग्रीगेटेड हो गई है, इसीलिए इसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो व्हेन गेमीट्स आर फॉर्म्ड देन तो क्या होगा, ईच एलील ऑफ वन पेरेंट, दो एलील्स थे एक टॉलनेस एंड एक डॉफनेस, ये दोनों एलील्स हैं. सो ईच एलील ऑफ वन पेरेंट, ईच एलील ऑफ वन पेरेंट segregates randomly into gametes, segregate randomly into gametes. मान लीजिए कोई फादर हिट्रोजाइगस टॉल है, हिट्रोजाइगस का मतलब उसकी माँ प्योर ब्रेड ड्रॉफ थी और फादर प्योर ब्रेड टॉल थे और वो हिट्रोजाइगस टॉल है, तो उसके 50% गेमीट्स टॉलनेस के होंगे और 50% गेमीट्स जो होंगे वो डॉफनेस के होंगे. तो F1 जनरेशन में ऐसा होगा. तो उसमें रेंडमली कोई भी जो स्पर्म होगा वो टॉलनेस का होगा और कोई भी जो स्पर्म होगा वो डॉफनेस का होगा. हम पता नहीं लगा सकते हैं. हाउएवर ये रेंडमली 50-50% होंगे, वो सब मिक्स्ड होंगे इनटू गेमीट्स सच दैट हाफ ऑफ द पेरेंट्स गेमीट कैरी ईच एलील. तो इस तरीके से होगा सच दैट जो भी अब उसमें गेमीट्स बनेंगे सो दैट हाफ ऑफ द गेमीट कैरी वन एलील एंड हाफ ऑफ द गेमीट कैरी अदर एलील सच दैट हाफ ऑफ यानी 50% ऑफ गेमीट कैरी. अगर वो हिट्रोजाइगस है तो हाफ ऑफ गेमीट में वन एलील आ जाएगा. भाई जो भी गेमीट्स बनते हैं वो हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं, तो हाफ अमाउंट रखते हैं और हमारे डाइप्लॉइड सेल से ही हाइप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का जब फिर से सेल डिवीजन होता है तो 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं. इस तरीके से हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवा बनता है. तो हाफ ऑफ गेमीट कैरी वन एलील एंड हाफ ऑफ यानी 50% गेमीट कैरी
अदर एलील, तो हाफ गेमीट में वन एलील एंड हाफ गेमीट में अदर एलील हो जाएगा। और इसके अलावा इन द F2 जनरेशन वी अगेन सी दैट, ये तो सेग्रीगेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली, उन्हें 50-50% हो गया। एंड इन F2 जनरेशन वी अगेन सी दैट देयर होमोजाइगस स्टेट्स आर अगेन रिफ्लेक्टेड बैक, वो फिर से प्योर ब्रेड टॉल हो गए, फिर मिक्स से फिर से प्योर ब्रेड हो गए। ये चीज इन F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन क्या होता है, प्योर होमोजाइगस या प्योर ब्रेड टॉल एंड प्योर ब्रेड डॉग आर अगेन सेग्रीगेटेड, जो प्योर ब्रेड है वो फिर से हमें मिल जाएंगे, ये नहीं कि मिक्सड हो गए तो मिक्सड ही रहेंगे। प्योर ब्रेड टॉल, प्योर ब्रेड डॉफ और मिक्स्ड टॉल, मिक्स्ड ब्रेड या हाइब्रिड भी बोल सकते हो, टॉल और फिर प्योर ब्रेड डॉफ, ये F2 जनरेशन में होगा। दैट इज TT, TT एंड TT is equals to 1:2:1 is again segregated, तो वो segregate हो गए, mix हुए फिर segregate हो गए, is segregated। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके जो gametes बने थे उन्होंने 50-50% character लिया, एक ही type का gamete लिया और उसी से ये संभव हो सका कि वो फिर से second generation में pure bred बन गए। तो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हमने यहाँ देखा कि सेकेंड जनरेशन में जो उनका रेशो आया है वो किस तरीके से आया है, प्योर ब्रेड, प्योर ब्रेड और ये जो भी है मिक्स्ड या हाइब्रिड। अब हम देखेंगे कि कहा जा रहा है कि नाउ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ओवर ए येलो एंड ग्रीन सीड ऑफ पी प्लांट, तो परफॉर्म करना है एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर F1 एंड F2 जनरेशन। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, होमोजाइगस या प्योर ब्रेड येलो सीड पी प्लांट एंड प्योर ब्रेड तो लिखा ही है, तो प्योर ब्रेड ग्रीन सीड पी प्लांट एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ F1 एंड F2 जेनरेशन जीनोटाइप एंड फीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फीनोटाइप ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब सिर्फ एक ही चीज उनमें अंतर होनी चाहिए, येलो एंड ग्रीन पी प्लांट के सीड्स होने चाहिए ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बाकी सारे पैटर्न सारे फीचर सेम हो तो एक ही फीचर डिफरेंट हो तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। लाइक दिस दीज आर येलो पी सीड्स एंड ग्रीन पी सीड्स, तो बाकी सभी रिंकल्ड हैं तो ऐसा लिया जा सकता है और इनके बीच में हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। सो इस चीज पर हम एक्सपेरिमेंट करें और बताएं कि क्या है, बाकी फीचर सेम होंगे, एक उसमें टॉल होगा और एक उस दूसरा भी टॉल होगा और दोनों ही रिंकल्ड हैं, बस कलर में चेंज है। तो इसके लिए सारी चीज आप ऐसे ही कर लें जैसे पहले की गई है और पूरा तैयारी उसमें कर
कर लें तो पेरेंटल क्रॉस करेंगे तो पेरेंट्स जीनोटाइप क्रॉसिंग ओवर, सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा। फिर F1 जनरेशन जीनोटाइप, फिर F1 जनरेशन फीनोटाइप, फिर रिपोर्ट, इस तरीके से आप तैयार कर लें। तो पेरेंटल क्रॉस जब करेंगे तो एक प्लांट लें येलो सीड, तो वो फीनोटाइप हो गया, और दूसरा ले लें ग्रीन सीड, ग्रीन रिसेसिव है तो जीनोटाइप हो गया, येलो है तो वो प्योर ब्रेड है तो वाई वाई लिखा जाएगा, और इसमें स्मॉल वाई इनके जब गेमीट्स बन के तैयार होंगे तो गेमीट्स हमने नहीं लिखा है तो पेरेंट्स गेमीट्स, सो पेरेंट्स गेमीट्स, इनसे अब गेमीट्स बनाओ, सो गेमीट्स वाई वाई, और इनके गेमीट्स स्मॉल वाई, फिर इनका क्रॉसिंग ओवर करिए, क्रॉसिंग ओवर यहीं तक आना चाहिए इसी लाइन के साथ में, तो वाई स्मॉल वाई इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका इसके साथ में, सबका सबके साथ करना है, आपस में नहीं करना है। तो ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है, तो वाई स्मॉल वाई, और इसके बाद येलो सीड, सारे येलो सीड मिल जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चला, इन F1 जनरेशन ऑल सीड्स आर येलो, इन F1 जनरेशन ऑल सीड्स आर येलो, एंड ये तो उनका फीनोटाइप हो गया कि येलो है, एंड देयर जीनोटाइप इज इज वाई वाई, उनका जीनोटाइप ये बनेगा। अब इसके बाद F1 क्रॉस करोगे तो लिखो F1 फीनोटाइप, F1 जीनोटाइप, F1 गेमीट क्रॉसिंग ओवर, F2 जीनोटाइप और F2 फीनोटाइप। F2 जीनोटाइप, F2 फीनोटाइप, F2 फीनोटाइप, फिर रिपोर्ट इस तरीके से बना लें। तो सब कुछ वैसे ही लिखना है, बस आपको अलग अलग ट्रेट्स लेने हैं। तो यहाँ पर अब आपको येलो सीड ही लेना है, जो पहले में मिला है उसी का कराओगे तभी F2 मिलेगी, तो F1 जनरेशन का येलो है तो येलो सीड लें, येलो सीड लेंगे बट वो हिट्रोजाइगस येलो है, दैट इज वाई स्मॉल वाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि 50% एलील एक में आएंगे और 50, क्योंकि वो अकर करते हैं पेयर में, फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड इन गेमीट, तो उसमें गेमीट में ओनली वन इज प्रेजेंट, यही तो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो गए दोनों, तो वाई 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 सेग्रीगेट होगा, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इनका क्रॉसिंग ओवर करो, और क्रॉसिंग ओवर इसके साथ इसका,
इसके साथ इसका जो एरो बनाओ तो एरो देखने में इक्वी डिस्टेंस हो और अच्छा लगे, और इसके साथ इसका ये चीज़। जो एरो बनाने में जिसको इनकन्वीनियंस है तो वो पुनेट स्क्वायर ले ले, तो वहीं क्रॉसिंग ओवर की जगह ही ये चीज़ लिखनी यहाँ पे। तो जहाँ पर मैं एरो बना रहा हूँ आप उसी के नीचे पुनेट स्क्वायर बना दें। सो एक पूरी चीज़ वाई वाई यहाँ लिखें और वाई वाई यहाँ लिखें, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अब देखें तो y और ये भी कैपिटल y और इसके साथ कौन सा आया, ये स्मॉल y आ गया, इसके साथ ये आया कैपिटल y, कैपिटल वर्ड पहले लिखा जाएगा और स्मॉल y, तो इनका फिनोटाइप क्या हुआ, येलो सीड्स, ये भी येलो हैं, ये हिट्रोजाइगस येलो सीड्स हैं, ये भी येलो सीड्स हैं बट हिट्रोजाइगस, प्योर ब्रेड नहीं माने जाएंगे येलो सीड्स, ये ग्रीन सीड हैं। तो इसमें हमने देख लिया, तो रिपोर्ट क्या बनी कि इन F2 जनरेशन फीनोटाइपिक रेशो क्या है, फीनोटाइप रेशो ऑफ येलो सीड्स वर्सेस ग्रीन सीड्स, इज 3:1, तो ये 3:1 का रेशो है। एंड जीनोटाइपिक रेशो क्या है, वाई 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 स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई फिर सेग्रीगेट हो गए सेकंड जनरेशन में, प्योर भी मिल गए हमको, इज 1:2, 1:2:1:1, ये चीज हो गया। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सेग्रीगेटेड हुए तभी हमें फिर से मिल पाया, ये ग्रुप में रहते तो क्या हमें ये मिल पाता, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन है और इस वजह से यहाँ सेग्रीगेशन हुआ है। आपसे कहा जा सकता है कि ब्लैक कोट जो डॉग है, काला कुत्ता, और इसी तरीके से वाइट दूसरा बिच है, तो मेल डॉग एंड फीमेल डॉग, तो उस केस में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट प्लांट करो और रिजल्ट लिखो। और अगर ब्लैक डोमिनेंट है तो ऐसे केस में बी वर्ड का यूज करना। सो वो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बुक का क्वेश्चन है कि डू एक्सपेरिमेंट, या ये कह सकते हैं कि डू क्रॉसिंग ओवर ऑफ ब्लैक कोट मेल डॉग एंड व्हाइट कोट फीमेल डॉग इसको कराना है विद अदर्स फीचर सेम, विद कलर का ही डिफरेंस हो तभी मोनो हाइब्रिड कहलाएगा, फीचर्स सेम एंड प्रिपेयर चार्ट ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन एंड प्रिपेयर चार्ट ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन। तो ऐसे केस में आपको बी बी लेना है और स्मॉल बी, नोइंग दैट ब्लैक कलर डोमिनेट्स ओवर व्हाइट कलर, नोइंग दैट। अगर आप नहीं जानते हो तो आप व्हाइट कलर को डोमिनेट करना चाहते हो तो WW ले लेना। हम लोग जानते हैं क्योंकि जो डॉग बेचने वाले हैं, डॉग सेलर्स, वो जानते हैं कि किस तरीके का क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो और व्हाइट को ऊपर रखना चाहते हैं तो WW और स्मॉल डब्ल्यू भी ले सकते हो। फिर WW इसके लिए होगा और फिर स्मॉल डब्ल्यू ब्लैक के लिए होगा। नोइंग दैट ब्लैक कलर डोमिनेट्स ओवर
वाइट कोट कलर, कोट का मतलब स्किन कलर। तो इसके बेसिस पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये चीज की जा सकती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर फॉर राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ, जो ये चीज बनाई जाती है, जो मैं बना रहा हूं वो चार्ट ही है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। पी सीड राउंड एंड रिंकल्ड होगा और कोई अंतर नहीं होगा। विद अदर फीचर सेम, अगर अदर फीचर सेम होंगे, सारे येलो होंगे या सारे ग्रीन होंगे, लेकिन एक मटर का दाना फूला हुआ होगा और एक सिकुड़ा हुआ होगा, विद अदर फीचर्स सेम, तो ऐसे केस में क्रॉसिंग ओवर को कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने टॉल का बनाया और येलो और ग्रीन का बनाया, अब राउंड और रिंकल्ड का बनाओगे, ठीक है। फॉर F1 एंड F2 जनरेशन ऑल्सो गिव रिपोर्ट, ऑल्सो मेक रिपोर्ट ऑफ इट। ये चीज दिया है, नोट जो भी आपको बताया जाएगा, तो नोट ये है कि राउंड शेप डोमिनेट्स ओवर रिंकल्ड शेप। राउंड शेप डोमिनेट्स ओवर रिंकल्ड शेप, ऐसा होगा। सो टेक, जब राउंड डोमिनेट कर रहा है तो टेक आर आर एंड आर आर फॉर प्योर ब्रेड पेरेंट्स, प्योर ब्रेड पेरेंट्स। तो ये चीज ली जा सकती है और इसके बेसिस पर जैसे हमने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, ये चीज ऐसे दिखाई गई है तो दोनों का बाकी सब सेम है, बट एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, तो बाकी फीचर सेम है, उनका कलर भी ग्रीन है। येलो हो तो येलो में भी यही चीज होगी, तो राउंड और रिंकल्ड दोनों में होंगे तो आप एक ही फीचर डिफरेंट रखें, तो ऐसे केस में ये चीज ली जा सकती है। तो ऐसा हम येलो में भी ले सकते हैं, येलो में आप लेना चाहें येलो में ले लें, तो कोई बाकी फीचर सेम है और सिर्फ इनका जो सीड का शेप है वही डिफर कर रहा है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको देखा, और इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें। वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।